एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, दिखाई दे रहा है आपको इंटरिम बजट 2024-25 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आप सब लोग जानते हो 1 फरवरी 2024 को श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी वर्तमान की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बजट पेश किया है, इंटरिम बजट पेश किया है। उसका एक एक चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको और कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाए। और ये इंटरिम बजट क्या होता है, कैसे जनरल बजट से अलग होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बजट होता क्या है, कहाँ से आया है, क्या इसकी उत्पत्ति है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए इस बजट में क्या बताया है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, SSC जनरल अवेयरनेस का टारगेटी 2024 का बैच जो है आ चुका है, ऐप पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, GK, ये सब कुछ इंक्लूड होगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। डाउनलोडेबल PDFs मिलेंगी आपको, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे फॉर डाउट क्लियरेंस, ठीक है। डाउट अगर आपको आते हैं तो आप हमारे टीचर से गूगल मीट वगैरह के माध्यम से जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। PDFs आपको, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मिलेगी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मिलेगी आपको, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। तो ये था SSC जनरल अवेयरनेस टारगेटी 2024 के बारे में। अब बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं अपने इस साल के बजट को। सबसे पहले तो देखिए आप लोग ना क्या करना है आपको, आप हमारी एक प्लेलिस्ट में, आपको बता रही हूँ, परचम क्लासेस में ही जाओगे आपको ना एक प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप नीचे नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने दिया है इकोनॉमिक्स। उसके अंदर मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी करके एक टॉपिक करवाया है, फिस्कल पॉलिसी। उसके अंदर मैंने बजट के सारे सेक्शंस को डिटेल में कवर किया हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे ये मैटर करता है, क्या इससे प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई। तो जिसको डिटेल में ये सेक्शन समझना है, यानी स्टैटिक पार्ट समझना है, प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट, अब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे फिस्कल पॉलिसी वाले टॉपिक को देख लेना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताती हूँ कि जो ये बजट शब्द होता है ना, ये बजट शब्द कहाँ से आया। देखो, ये बजट शब्द ना फ्रेंच भाषा में एक शब्द था, फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड था जिसका नाम था बोगेट। क्या था? बोगेट। और इस बोगेट शब्द का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, इस बोगेट शब्द का मतलब होता है बैग ऑफ लेदर, चमड़े का थैला, बैग ऑफ लेदर, ठीक है। अब जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट सुनाने आते हैं तो वो अपने हाथ में एक सूटकेस लाते हैं जो चमड़े का होता है, भी एक चमड़े का बैग है। तो वहीं से ही बोगेट और बोगेट का रूपांतरण करके हमने बजट शब्द बना दिया। जो ये बजट शब्द है ना, जो बजट शब्द है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है, नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 112 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 112 है, वहां इस बजट की जगह वर्ड क्या यूज किया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वर्ड यूज किया हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि हर साल आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि इसको फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगे या कौन करेंगे, ये तो अपने पार्लियामेंट की परंपरा चलती आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और बजट शब्द पूरे संविधान में कहीं पर नहीं है, आर्टिकल 112 में इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ, ठीक है। अभी इसके फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, पर मैंने आपको बताया था कि जो बजट होता है ना उसके दो सेक्शन होते हैं। एक तरफ हम क्या करते हैं, सारी कमाई जोड़ लेते हैं, सारी रिसिप्ट जोड़ लेते हैं, बजट की सारी रिसिप्ट जोड़ लेते हैं, तो देखेंगे इस साल भी कहाँ कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। और ये बजट की रिसिप्ट है ये भी दो तरीके की होती है, कुछ होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे रिसिप्ट होती है, जो जल्दी जल्दी हो रही है, अभी पैसा आया, फिर कुछ देर में आ गया, फिर कुछ देर में आ गया, जैसे सरकार को शेयर से कमाई हो रही है, डिविडेंड का पैसा मिल रहा है, जैसे सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहां से पैसा मिल रहा है, जैसे आप लोगों ने चॉकलेट खरीदी GST पे किया, पिज्जा खरीदा GST पे किया, कपड़े खरीदे GST पे किया, है ना, फिर इनकम टैक्स की बारी आ गई, कॉरपोरेशन टैक्स की बारी आ गई, मतलब जितना टैक्स आप देते हो जल्दी जल्दी देते हो, ठीक है, ये सब चीज रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है। कैपिटल रिसिप्ट फिर क्या होती है, लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं ये,
है ना, ये समझाने के लिए मैंने वहां पे डिटेल में बताया था आपको एसेट लायबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने उस प्लेलिस्ट में करवाई हुई है जहां पे मैंने आपको बताया था। यहां मैं मोटा मोटा आपको ये बता रही हूँ क्योंकि अगर इस चीज में चले गए तो तीन तीन घंटे तो यही समझाने में लग जाएगा, देन फिर हम बजट पे चलेंगे। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, रिसिप्ट दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो होता है, अब मैं आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले एक्सपेंडिचर सेक्शन की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, जैसे हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, भारत सरकार ने कुछ ब्याज लिया हुआ है, कुछ लोन लिया हुआ है और उसका ब्याज अब हमको पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो आपके रेवेन्यू में आएगा। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा इसी सेक्शन का है, आप देखेंगे इस बजट में भी सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो इसी सेक्शन का है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, सैलरी पेंशन, ठीक है, ग्रांट्स और सब्सिडीज आप किसी को दे रहे हो, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिस्से हैं। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, मशीनरी, मतलब कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एसेट क्रिएट हो रहा है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया आपने, आपने लोन्स दिया दूसरे लोगों को, रीपेमेंट आया है आपके लोन्स का, तो ये सारी चीज जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ऐसे ही रिसिप्ट देख लीजिए आप, रिसिप्ट के अंदर भी दो हिस्से बना देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो हिस्से, टैक्स वाला हिस्सा, नॉन टैक्स वाला हिस्सा। टैक्स में फिर क्या क्या आएगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में इंटरेस्ट रिसिप्ट्स आ जाएंगे, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, फीस, फाइंस, एक्सटर्नल ग्रांट्स, स्पेशल असेसमेंट, ये सारी चीजें फिर आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएंगी। देन कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ जाता है, जितना आपने बोरो किया है, जितना आपने कंपनीज बेची हैं, डिसइन्वेस्ट किया है, जितना आपने लोन का रिकवरी किया है, कितने आपने प्रोविडेंट फंड्स किए हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब आपके कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। यही क्यों कैपिटल रिसिप्ट में आता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको उस वीडियो को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे कि इस साल क्या क्या हुआ। आपको बार बार शब्द सुनाई दे रहा है इंटरिम बजट। इंटरिम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन परमानेंट। इंटरिम शब्द का मतलब ही होता है नॉन परमानेंट, अस्थाई, कोई भी चीज जो नॉन परमानेंट हो उसको इंटरिम कहते हैं। तो क्या ये बजट भी नॉन परमानेंट है? यस एग्जैक्टली, जो भी इलेक्शन ईयर होता है ना, इलेक्शन ईयर के अंदर जो बजट आता है उसको हम इंटरिम बजट कहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों ये नॉन परमानेंट क्यों है, क्या मतलब हुआ इसका? अब देखो, अभी अपना बजट आ गया 1st of Feb 2024 को, क्या अभी इलेक्शन हो चुके हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब लगभग अक्टूबर के पास नई गवर्नमेंट बनेगी, या मैं कहूँ मई 2024 के आसपास नई गवर्नमेंट बनेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा यूं कह देती हूँ कि अक्टूबर 2024 में नई सरकार अपनी चेयर को हासिल कर ले। ठीक है, अब हो सकता है बीजेपी सरकार ना आए, तो पॉसिबिलिटी, अब क्या पता कौन जीतेगा कौन नहीं, हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, हो सकता है यही वापस आ जाए। अब मान लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आके दीनदयाल उपाध्याय स्कीम नहीं चलाएगी, वो इंदिरा गांधी स्कीम चलाएंगे। ठीक है, वो ये मतलब कि सारी स्कीम्स के नेम बदलेंगे, अपनी अपने तरीके से बजट को बनाना चाहेंगे, मतलब जो भी नई सरकार आएगी वो अपने तरीके से बजट को पेश करना चाहेगी, वो इस बजट को बदलना चाहेंगे। तो इसी वजह से अब मान लीजिए बीजेपी सरकार भी दोबारा आ जाती है, मान लीजिए बीजेपी सरकार ही जीत जाती है, तो बीजेपी भी हो सकता है अभी बहुत सारी स्कीम उन्होंने नहीं बताई जो वो फ्यूचर में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, ये इलेक्शन ईयर का बजट है, तो हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई भी सरकार जो बजट बना रही है वो इलेक्शन ईयर वाले बजट में ऐसी ऐसी चीजें डाल दे कि दुनिया का दिमाग घूम जाए। भाई वो चाह रहे थे कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, लेकिन स्कीम्स को देखने के बाद ये हुआ कि नहीं नहीं ये सरकार तो अच्छी है, इसी को ही हम तो वोट देंगे, डेमोक्रेसी है। तो आप इंटरिम बजट के अंदर कोई भी ऐसी स्कीम नहीं डाल सकते जो लोक लुभावन वाली हो, जो पॉपुलस हो, ठीक है, जिससे लोग इम्प्रेस होके आपको वोट दे दे, या कहीं भी आपको ये नहीं दिखाना है कि हम तो कुछ ऐसा एजेंडा लेके आ रहे हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेले। पहली चीज, इंटरिम बजट के अंदर आप फुल फ्लेज्ड बजट नहीं देते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आप इसमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते जो पॉपुलर हो। दूसरी चीज, इसके अंदर क्या होता है, इंटरिम के अंदर इसमें चेंज का स्कोप होता है, जो भी नई सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इसको बदल सकती है। ठीक है, होता इसके अंदर भी वही रिसिप्ट, वही एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये फुल बजट नहीं होता। ठीक है, तो बात समझ आ गई, इंटरिम बजट क्या होता है, इलेक्शन ईयर का बजट। इसके अंदर आप बहुत सारी पॉपुलर स्कीम इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस कर सकती है पब्लिक को। ठीक है, और जो इलेक्शन है वो फेयर ना हो क्या पता।
तो इस तरीके से इंटरिम बजट क्या होता है, इलेक्शन ईयर वाला बजट जिसके अंदर क्या चेंज का स्कोप, तो ये इंटरिम बजट होता है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। मतलब यूनियन बजट भी एंटायर ईयर के लिए होता है, ये तो पूरे साल के लिए होगा, ये कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के बाद फिर इसको जब नई सरकार आएगी बदल भी दे, क्या पता इसी को ही रख ले, मे बी फॉर फ्यू मंथ। ठीक है, ये इलेक्शन से पहले आ रहा है, यहाँ कोई इलेक्शन का पंगा ही नहीं होता है। इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले, यहाँ कोई इलेक्शन का पंगा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि यही लागू होगा, इसको चेंज करना चाहो तो कर दो, ये मैंडेटरी होता है, आप इसमें बाद में चेंज नहीं करते हो, ये मैंडेटरी होता है, इसी को ही लागू करना पड़े। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस दोनों में, वो मैंने आपको बताया। अब एक एक करके हर चीज पे चलते हैं। सबसे पहले फैक्चुअल डिटेल की बात करते हैं, बजट के फैक्चुअल डिटेल की। देखिए सबसे पहला क्या है कि जो बजट आपका सबसे पहले आया है वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 7 अप्रैल 1860 को इंट्रोड्यूस हुआ है। कब इंट्रोड्यूस हुआ है, 7th ऑफ अप्रैल 1860 को सबसे पहला बजट इंट्रोड्यूस हुआ है। 7 अप्रैल 1860 को सबसे पहला बजट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, किसने किया था, जेम्स विल्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया है, जेम्स विल्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है 7 अप्रैल 1860 को। क्या आपको पता है 1860 में ही, क्योंकि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का बजट बिगड़ गया था। ठीक है, जिसके चलते इन्होंने स्कॉटलैंड से जेम्स विल्सन को बुलाया, जो एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे, और ये बजट बनवाया था। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, सभी फैक्ट्स को मैंने बैच में इंक्लूड किया हुआ है। इकोनॉमी, SSC इकोनॉमी का एक सेपरेट बैच चल रहा है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी उसमें हम करते हैं। जो भी फैक्ट्स हैं वहां पे और एडिशनल फैक्ट्स मैंने बताए हुए हैं, जो यहाँ पे हैं आप पढ़ लीजिए। अब भारत का, जब हम आजाद हो गए तो सबसे पहला बजट तो कौन लेके आया, जेम्स विल्सन 1860। ठीक है, जब हम आजाद हो गए 1947 में, तो सबसे पहला बजट कौन लाए थे, आर के षणमुखम चेट्टी। कौन लाए थे, आर के षणमुखम चेट्टी। 26 नवंबर 1947 को भारत के पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट जो है वो आया था। ठीक है, फिर एक और फैक्ट आपको याद रखना है, जो मोरारजी देसाई है, उन्होंने 10 बार 8 एनुअल और 2 इंटरिम बजट पेश किए हैं। अगर सवाल बन जाए कभी कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने रिप्रेजेंट किया है, तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने कितना बजट पेश किया है, इन्होंने कितनी बार, अभी का इंक्लूड करके 6 बार टोटल इन्होंने बजट पेश किया। ठीक है, अभी का इंक्लूड करके टोटल 6 बार इन्होंने बजट पेश किया है, और ये इंडिया की सेकेंड वीमेन है बजट को पेश करने वाली। फर्स्ट कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, सेकेंड वीमेन निर्मला सीतारमन है जो बजट को पेश कर रही। बजट शब्द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 में भारत सरकार के अंदर लिखा हुआ है, ये हमने देखा। ठीक है, पहले इसको लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को बनाते थे, अब इसको फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पेश करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। पहले क्या था, अंग्रेजों वाला दौर हम अपनाते थे, शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। 2000 तक शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। 2001 से दिन में 11 बजे ये बजट पेश होने लगा। अब की बार भी आपने देखा कि दिन में 11 बजे ये बजट जो है वो पेश होता है। ठीक है, अगला फैक्ट की हम बात करते हैं, बजट को 1 अप्रैल से लागू कर देते हैं। मतलब जो अपना फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, तो ये बातें हमने की, और क्या कहा हुआ है कि बजट हैज टू बी पास्ड बिफोर 1st ऑफ अप्रैल। 1 अप्रैल से पहले पहले बजट पास हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से बजट को हम लागू करें। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। कुछ फैक्ट्स की बात की है, कुछ फैक्ट्स मैंने बैच में इंक्लूड किए हुए हैं, जो जो काम की बातें हैं वो सब यहाँ पे हम कर लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले GDP की बात करते हैं। इस बजट ने GDP के बारे में क्या कहा, एक तो इन्होंने GDP का नाम ही बदल दिया। नाम बदल के क्या किया उसको अभी आगे याद रखना, अभी बताऊंगी आगे। ये तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इसका एक अलग एब्रिविएशन को एक्सटेंशन दिया है, क्या है वो समझेंगे। अब देखो क्या है हमारा एजेंडा, क्या है कि 2030 तक हम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। ठीक है, ये अपना एजेंडा है। 2007-08 तक $1 ट्रिलियन, 2014-15 तक $2 ट्रिलियन, 21-22 तक $3 ट्रिलियन, 26-27 तक, ये एस्टिमेटेड है, ई का मतलब एस्टिमेटेड, 26-27 तक हम $5 ट्रिलियन वाला टारगेट रखते हैं। 29-30 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना लेंगे। ठीक है, और 2046-47 तक लगभग $30 ट्रिलियन हम अचीव कर लेंगे, ये अपने टारगेट। ये GDP की बात थी। अब इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं। ये कहा जा रहा है भारत की जो GDP है ग्रोथ वाइज अगर देखें तो वो वर्ल्ड की GDP से ऊपर आ रही है।
वर्ल्ड का जीडीपी ये पर्पल लाइन शो कर रही है, और ये जो ब्राउन या येलो से ये लाइन है ये जो है इंडिया की जीडीपी है। तो इंडिया की जीडीपी आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि 2022 में भारत की जीडीपी ऊपर आ चुकी है, और इसके बाद से ये आगे 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 2029 तक का आंकड़ा यहाँ दिखाया हुआ है कि ये आगे चलती जाएगी। मतलब कि हम वर्ल्ड की जीडीपी से ऊपर चल रहे हैं, लगभग 7% भारत की जीडीपी का ग्रोथ जो है वो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया और वर्ल्ड की बात। अब आगे देखो किन किन शब्दों का इस बजट में यूज हुआ है। ये पूरा जो बजट स्पीच है मैम की, उन बजट स्पीच से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मतलब वहीं से ही क्लिपिंग्स जो है वो काटी हुई है, सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब देखो इस बजट के अंदर ना, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, 2014 में इनकी पहली बार सरकार आई थी और वो टोटल 10 साल अब हो गए हैं, तो इस बजट के अंदर इन्होंने पिछले 10 साल से सारी चीजें कंपेयर की है, इन 10 सालों में हमने क्या किया। तो क्या कहा है सबसे पहले स्पीच के अंदर कि हमने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है और हम फ्यूचर में और भी आशावादी ऑप्टिमिस्टिक होके बातें कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इस मंत्रा पे भारत सरकार जो है वो चल रही। फिर उसके बाद क्या बातें की है कि हमको विकसित भारत बनाना है 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा, ऐसी बात की है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस मंत्रा के साथ भारत सरकार जो है वो स्ट्रेंथन हो रही। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक ट्रिनिटी की बात की है, यानी तीन डी की बात की है। ये तीन ट्रिनिटी क्या है, डेमोग्राफी डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी। डेमोग्राफी ठीक है, मतलब अपने यहाँ की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी कितनी है। डेमोग्राफी डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी को और स्ट्रोंग करेंगे, लोकतंत्र को, लोगों में शक्ति बढ़ाएंगे, ठीक है। और डाइवर्सिटी, भारत की विविधता को आगे लेके जाएंगे, भारत की डाइवर्सिटी को और ज्यादा प्रमोट करेंगे, ये कहा। और सबके प्रयास से ये काम करेंगे, तो इट इज बैक्ड बाय सबका प्रयास। तो एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, सबका प्रयास, ठीक है। सबके प्रयास से ये काम करेंगे, डेमोग्राफी को अच्छा करेंगे, डेमोक्रेसी को अच्छा करेंगे, डाइवर्सिटी को अच्छा करेंगे, ठीक है। और भारत को एक डेवलप्ड नेशन बना देंगे 2047 तक, ये एजेंडा ली। तो ये सारी बातें जो है वो हमने की, और विजन क्या लिया है यहाँ देखोगे, प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। मतलब भारत जो होगा वो प्रॉस्परस होगा, ठीक है, और नेचर को हार्मोनाइज करते हुए हम चीजों को रखेंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा लेके आएंगे। ये थी डेवलपमेंट की बात। और क्या कहा कि हमको ये सारा काम जो है पूरे नेशन की मदद से करना है, यानी सबके प्रयास से करना है, ठीक है। जो आत्मनिर्भर भारत है हमको उसको और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। अमृतकाल, अमृतकाल क्या है, ये अमृतकाल है जो पोस्ट कोविड वाला एरिया, पोस्ट कोविड का टाइम है, उसको अमृतकाल कह रहे हैं। अमृतकाल को अमृत कर्तव्य बनाना है, मतलब ये सब चीजें हर इंसान के प्रयास से पूरी होगी तो सब लोग अपनी अपनी अहम भूमिका निभाएं, ये सबका कर्तव्य है। तो ये बातें यहाँ पे की जा रही। फिर सोशल जस्टिस के बारे में क्या कहा है, ये कहा है हम क्या अप्रोच के साथ डेवलपमेंट करेंगे। इट इज ऑल राउंड, मतलब सबके चारों तरफ, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव, यानी सर्वांगीण सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। सर्वांगीण सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, मतलब ऑलराउंड ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव की बातें की यहाँ पे। और विकसित भारत कर देंगे, डेवलप्ड इंडिया कर देंगे हम 2047 तक, ऐसा मैम ने ऑप्टिमिस्टिक चीजें जो है वो बोली है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बोला है इस बजट के अंदर, ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चार कास्ट को जानते हैं। ये वर्णा सिस्टम नहीं है, ये चार कास्ट कौन सी बताई है इसको याद रखेंगे। एक तो गरीब यानी कि पुअर, ठीक है, महिलाएं यानी कि विमेन्स, युवा यानी कि यूथ, और अन्नदाता यानी कि फार्मर। ये चार जातियों पे काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चार जाति कौन सी बताई बजट में, गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा, ठीक है। तो उनकी नीड्स का ध्यान रखेंगे। तो ये बीच बीच की क्लिपिंग्स है इसलिए आपको ये पूरी लाइन नहीं दिख रही है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, गरीब कल्याण देश का कल्याण। क्या कहा है कि गरीबों के लिए क्या क्या करेंगे, यानी पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या करेंगे। एक तो ये बात कही है, आप यहाँ देखें, ऐसा कहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है कि खाते में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, अकाउंट में ही डायरेक्ट हम पैसा डाल देंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने 34 लाख करोड़ का किया है, अलग अलग स्कीम्स के अंडर जो पैसा
भेजना होता है लोगों को, वो हमने डायरेक्ट अकाउंट में डाला है 34 लाख करोड़ का। और इससे क्या होगा, इससे टोटल सेविंग हो गई कितनी, 2.7 लाख करोड़ की टोटल सेविंग होगी। जनधन अकाउंट्स जो हैं वो हो गए हैं, मतलब कि इतने जनधन अकाउंट खुल गए हैं कि हम उनके डायरेक्ट खाते में पैसा भेज रहे हैं, जिससे लीकेज कम हुई, ठीक है, जिससे जो पैसा बीच में खा जाते थे बिचौलिए वो कम हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचा है। और ऐसा करके हमने 2.7 लाख करोड़ रुपए बचा लिए हैं लीकेज वाले, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने 2.7 लाख करोड़ रुपए बचा दिए हैं। 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, ठीक है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि के अंदर हम लोगों ने क्रेडिट असिस्टेंस दिया। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि के अंदर असिस्टेंस जो है वो हमने दिया है। अब ये सारी स्कीम्स जो आपको बजट में दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी तो हम अपनी गवर्नमेंट स्कीम के प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं, और बहुत सारी जो यहाँ पे दिख रही है और हमने नहीं कवर की है अपकमिंग वीक्स में। अब मेरा एजेंडा यही रहेगा कि बजट में जिन जिन स्कीम्स का जिक्र भारत सरकार ने किया है उन सबको हम वहां पे करें, ठीक है। अब ये हेडकाउंट रेशो की बात की है, तो हेडकाउंट रेशो क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल से नीचे कितने लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं उनको हेडकाउंट रेशो कहते हैं। तो क्या बताया कि 2005-06 में 55% लोग जो हैं वो बीपीएल थे, फिर उसके बाद 13-14 में 29.2 और ये घटते 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 2022-23 में 11.3% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि हमने गरीबी को कम किया, ठीक है। उसके बाद अन्नदाता की बात कर रहे हैं, यानी कि फार्मर की बात कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ फार्मर, वेलफेयर ऑफ अन्नदाता की बात की, क्या क्या काम यहाँ पे किया, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। फार्मर्स आर आवर अन्नदाता, किसानों को अन्नदाता कहा है, और क्या कहा है कि हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, हम लोग पैसों में मदद दे रहे हैं 11.8 करोड़ फार्मर्स को। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं हम पीएम किसान स्कीम के अंडर 11.8 करोड़ किसानों को। क्रॉप इंश्योरेंस दे रहे हैं 4 करोड़ फार्मर्स को अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। और 1361 मंडीज को इलेक्ट्रॉनिक नैम में, यानी ई नैम में हम 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.8 करोड़ फार्मर्स को पैसे दिए, 1361 मंडीज को ई नैम के अंदर रजिस्टर कर दिया, और 3 लाख करोड़ का वॉल्यूम जो है, टोटल 3 लाख करोड़ का पैसा जो है किसानों को दिया जा चुका। तो ये सारी बातें कही, फिर ये बताया कि कितना वीट और राइस का प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद इंक्रीज हुई। तो 2020-21 में ये 390 लाख मेट्रिक टन था, ठीक है, और 2023-24 में 262 लाख मेट्रिक टन वीट का प्रोक्योरमेंट है। और राइस का प्रोक्योरमेंट जो है वो 2021 में 30 लाख मेट्रिक टन था, 2023-24 में 38 लाख मेट्रिक टन ये हो गया है। तो ये वीट का और राइस का प्रोक्योरमेंट की बातें यहाँ पे कही हुई है। फिर यूथ के बारे में क्या कहा है, अब उसको बात कर, ठीक है। एम्पावरिंग यूथ, यानी यूथ को आपने कैसे क्या दिया है उसको देख। एक तो पीएम श्री बजट एलोकेशन की बात की है। ये पीएम श्री क्या है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया क्वालिटी और क्वांटिटी वाली एजुकेशन के लिए, यानी क्वालिटी टीचिंग नर्चरिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स के लिए जो है ये पीएम श्री योजना चली थी, जिसमें स्कूल में बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही एजेंडा है, ऐसा कहा। अच्छा, और युवा को किस नाम से नवाजा है इस बजट के अंदर, एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी, अमृत पीढ़ी कहा है, मतलब कोरोना वाले स्टूडेंट्स को अमृत पीढ़ी कहा है, ठीक है, द युवा अमृत पीढ़ी इनको कहा है। स्किल इंडिया मिशन के अंदर 1.4 करोड़ युवा लोगों को ट्रेन किया है, ठीक है। साथ में क्या कहा है कि 43 करोड़ लोन्स जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवा लोगों को दिया है, ठीक है। और ये कहा गया है कि पीएम श्री में हम बजट एलोकेशंस को बढ़ा रहे हैं, 4000 करोड़ रुपए हमने पिछले साल एलोकेट किए थे, और इस साल 6050 करोड़ रुपए हम पीएम श्री योजना के अंदर एलोकेशंस को बढ़ा रहे हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन। और क्या कहा, कितनी यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, 2014 में 16 आईआईटीज थी, अब 23 आईआईटीज हैं 2023 में। एम्स 2014 में केवल 7 थे,
बढ़ के 22 हो गए हैं। यूनिवर्सिटी 2014 में 723 थी, 2023 में 1113 यूनिवर्सिटीज बना दी गई हैं। तो 10 साल का एजेंडा यहाँ पे है, ठीक है। 390 यूनिवर्सिटीज जो है वो सेटअप हो चुकी है, बाकी अभी काम चल रहा है। इतना लोन दे दिया है, ठीक है, ताकि ये लोग जो हैं वो रोजगार लेना, ये रोजगारदाता बने। जितने युवा हैं उनको एंटरप्रेन्योर की स्किल दी जा रही है, बिजनेस करने की स्किल दी जा रही है, ताकि ये लोग रोजगारदाता बने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नारी शक्ति क्या है। युवा के बारे में हमने पढ़ लिया, किसानों के बारे में पढ़ लिया, गरीबों के बारे में पढ़ लिया, महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं। महिलाओं के बारे में क्या कहा है? सबसे पहले तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं का कितना योगदान रहा है। 2017-18 में 23.3% महिलाएं जो है वो काम करती थी, अभी 37% महिलाएं 2022-23 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है। मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, कितनी लेबर फोर्स। ये सब चीजें जो है उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक मैंने करवाया था, वहां पे समझाया हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्किंग फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, फीमेल मेल, ये सारी चीजें बताई थी। तो जिसको डाउट है वहां पे जाके अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक को कर लेना, ठीक है। अभी 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दे चुके हैं। साथ में क्या कहा है कि विमेन का जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है पिछले 10 साल में 28% बढ़ गया है। पिछले 10 साल में 28% ज्यादा महिलाएं हायर एजुकेशन करने लगी, ठीक है। 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज। स्टेम क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। स्टेम कोर्सेज के अंदर मतलब टेक्निकल एजुकेशन में भी महिलाएं आगे बढ़ रही है। लगभग 43% पहले से ज्यादा महिलाएं जो है वो स्टेम कोर्सेज के अंदर है। 1 करोड़ महिलाएं जो है वो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से लखपति दीदी बन रही है। लखपति दीदी योजना आई थी भारत के अंदर, ठीक है, जो महिलाओं के लिए स्पेशल थी लखपति दीदी योजना, वो 1 करोड़ महिलाओं ने 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो इनकी मदद से लखपति बन रही है, मतलब अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर रही है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, कि 30 करोड़ मुद्रा लोन्स जो है वो दे चुके हैं, और हायर एजुकेशन में भी 28% ज्यादा महिलाएं अब हिस्सा ले रही हैं। स्टेम एजुकेशन में भी 43% महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही है, उनका पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ट्रिपल तलाक को हमने इल्लीगल कर दिया है। महिलाओं के लिए जो भी मेजर मेजर अचीवमेंट्स हैं उनको बताया है बजट में। ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया है, 1/3 सीट्स रिजर्वेशन दे दिया है लोकसभा को, लोकसभा में विमेन्स को, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी है। 70% हाउस अंडर पीएम आवास योजना इन रूरल एरियाज टू विमेन, विमेन्स के नाम पर 70% घर जो है पीएम आवास योजना में इनको दे दिया है। इनको जॉइंट ऑनर बना दिया है, घर का ऑनर बना दिया है, राशन कार्ड इनके नाम पे कर दिया है ताकि इनकी डिग्निटी इंप्रूव, ठीक है। नारी शक्ति के बारे में ये काम किया जा रहा है। अब मैंने आपको कहा था जीडीपी को क्या नाम दिया गया है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट मैम निर्मला सीतारमन ने इसको गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस कहा है। जी से गवर्नेंस, डी से डेवलपमेंट, पी से परफॉर्मेंस। तो पूछा जा सकता है पेपर में, दिस इज गवर्नेंस, यानी हम मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के साथ करेंगे। मंत्री लोग कम रखेंगे लेकिन गवर्नेंस ज्यादा रखेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, और परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। तो एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड्स गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का और परफॉर्मेंस, जीडीपी को क्या कहा है ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है? अब देखो, आपको पता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? कोई भी वो बेसिक 4 चीजें जिनके बिना कुछ भी प्रोड्यूस होना असंभव, ठीक है। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जिन 4 चीजों की जरूरत होती है वो क्या है? वो है लैंड, देन लेबर, ठीक है, देन लेबर, देन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या मैं यहां लिख रही हूं? लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल जी आपके पास होना चाहिए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बजट के अंदर एक 5वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बता दिया है। वो 5वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 5वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंटरनेट की सुविधा और आपके जो स्कैनर वगैरह होते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी भी काम को करने में जरूरी है। अब
पांच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए हैं। पांचवा क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चार जो है वो बताए मैंने, ठीक है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है? ये कहा है 2070 तक हम नेट जीरो को मीट कर लें, 2070 तक हम लोग एमिशन जो है कार्बन एमिशन वो जीरो कर देंगे। विंड एनर्जी के लिए वायबल गैप फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज दिस वायबल गैप फंड? जैसे मान लीजिए आपके पास किसी भी काम को करने में 100 रुपए है, काम करने के लिए जरूरत है 500 रुपए की, तो गैप कितना रह गया? 400 रुपीज का। तो ये वायबल गैप फंडिंग है जिसको हम पूरा कर लेंगे, मतलब जो अभी कमियां रहती है विंड एनर्जी प्रोवाइड कराने में, पैसे की जितनी भी कमी है उसको भी हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। हम कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी CNG, PNG, कंप्रेस्ड बायोगैस, इनके ब्लेंडिंग को फेज्ड मैनर में मैंडेटरी कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन एमिशन कम से कम। एक तो ये कहा। फिर क्या कहा? रूफ टॉप सोलराइजेशन। देखो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहां पे भी सब कुछ सोलर पैनल से, सब कुछ रूफ टॉप जो है वो सोलराइजेशन किया है, यानी कि क्या है कि हर घर में हम छतों पे ये सोलर पैनल लगवा देंगे, जिससे क्या होगा, सूर्य की ऊर्जा से ही बिजली बना करेगी, है ना, सोलर एनर्जी से बिजली बना करेगी और कार्बन एमिशन कम से कम हो, यानी 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ हम जनरेट करवा देंगे। ई बसेस को, यानी बिजली से चलने वाली बसेस को अडॉप्ट कर लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए। ई व्हीकल इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देंगे, जगह जगह पे चार्जिंग पोर्ट्स बनवा देंगे, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए नई नई स्कीम्स को, एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव स्कीम को हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। उसके बाद क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि जितना ज्यादा उपले जलेंगे, जितना ज्यादा काउडंग जलेगा, उतना ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उसकी जगह क्या किया भारत सरकार ने, LPG कनेक्शन दे दी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन हमने रिलीज कर दिए। LED बल्ब दे दिए 36.9 करोड़, ताकि जो नॉर्मल बल्ब होते थे घरों के अंदर, बड़े बड़े पावर को कंज्यूम करते थे जो, वो कम कंजम्पशन हो। ट्यूबलाइट्स दे दी कितनी, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस जो है वो उजाला स्कीम के अंडर हम लोगों ने दे दिए, ठीक है। LED स्ट्रीट लाइट्स जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट की है, 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, कितना, 2004 में 30.4% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल से बनती थी, मतलब कि कन्वेंशनल तरीकों से हट के सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर विंड एनर्जी वहां से बनती थी। आज के दिन 43.9% एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल तरीके से बनती है। तो ये चीजें हम लोगों ने अचीव की है एनवायरमेंट में। उसके बाद बात की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स की। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स को, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, बहुत सारे ब्लॉक्स को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, एम्पल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं। ईस्ट का भी, यानी कि उत्तर भारत का भी, ईस्टर्न रीजन के भी डेवलपमेंट का जिक्र जो है इस बजट के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जिक्र इसके अंदर किया गया है कि हम इसको ड्यू टू कोविड के कारण बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और 3 करोड़ घर लोगों को बांटने में टारगेट पूरा ही होने वाला है, ठीक है। 3 करोड़ घर, अगले 5 साल में 2 करोड़ और घरों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे पीएम आवास योजना। इसमें देखिए क्या कहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात करें, मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसमें एनरोलमेंट बढ़ा है। 2018 में केवल 1737 एनरोलमेंट थे, अब देख रहे हो 13,195 एनरोलमेंट बताए हैं इस बजट में। फिर एंटीनेटल केयर के अंदर, मतलब विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो एंटीनेटल केयर है उसमें महिलाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे 2018 में केवल 68% महिलाओं ने एनरोल किया था, अभी 89% महिलाओं ने एनरोल कर दिया है। तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की। देन उसके बाद रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि हम क्या करेंगे, रूफटॉप पे यानी छतों पे सोलर पैनल्स लगाएंगे जिससे बिजली की बचत होगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पोर्ट्स को, इन सब को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। राम मंदिर अयोध्या का जो बना है उसको भी जो है उसका भी जिक्र जो है वो यहाँ पे किया है। उसके बाद हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ के अंदर क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। हेल्थ के अंदर क्या क्या काम हुआ है आप देखोगे, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, कुछ एग्जिस्टिंग हैं उनको बेटर करेंगे और नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात की गई।
और हेल्थ में क्या कहा गया है कि जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन उनको दिया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान चलेगा, जिससे न्यूट्रिशन डिलीवरी वाला डिलीवरी के वक्त जो न्यूट्रिशन चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। यूविन प्लेटफॉर्म जो है, यूविन प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। एक स्कीम चली थी मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंदर शुरुआत में 7 बीमारियां, बाद में 12 बीमारियां इंक्लूड कर दी थी जिसके लिए वैक्सीनेशन लगेगा। तो यूविन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो वैक्सीनेशन लगता था, कहा है इसको और ज्यादा हम इन्हेंस करेंगे। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर सारे आशा वर्कर्स, सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, सारे हेल्पर्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि हेल्थ फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट वो अचीव कर सके। उसके बाद आयुष्मान भारत की बात करते हैं। हेल्थ कवर, हेल्थ केयर कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल आशा वर्कर्स। सभी आशा वर्कर्स को, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सभी हेल्पर्स को जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो दी जाएगी, मतलब इसके अंदर उनको कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डाटा देखिए, इन्वेस्टमेंट का डाटा देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि जो शायद मैंने अलग से भी इसको बनाया है, यस एग्जैक्टली, मैंने इसको अलग से बनाया। क्या कहा है आप समझना। सबसे पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2005 से 14 तक 298 यूएस बिलियन डॉलर था। 2014 से 23 इन 10 सालों में ये बढ़ के 596 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है, यानी एफडीआई लगभग डबल हो गया। फिर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब भारत जो है वो एसेट्स में ज्यादा निवेश कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इतना हो गया है ये आप देख रहे हो, लगभग 11.3% जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जीडीपी का लगभग 11.3% कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है। हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव हुए हैं देखो, गेट ब्लॉक दिया हुआ है नेशनल हाईवे का। पहले देखो फाइनेंशियल ईयर 15 के अंदर लगभग 97,991 किलोमीटर हाईवेज, इतने लंबे हाईवेज बने थे। अभी क्या कह रहा है ये कि 14,04,634 इतने किलोमीटर हाईवेज जो है वो बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद कार्गो ट्रैफिक जो है वो भी मेट्रिक मिलियन टन के अंदर बढ़ गया है, 581.3 मिलियन टन से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 720 मिलियन टन हमारा कार्गो ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया है। इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट बढ़ा के 22,000 से बढ़ा के लगभग 50,000 किलोमीटर कर दिया है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट जो है 16 मिलियन टन से बढ़ा के 10 साल में 25 मिलियन टन हमने कर दिया है। नंबर ऑफ एयरपोर्ट केवल 74 थे, बढ़ा के 149 एयरपोर्ट्स जो है इन 10 सालों में कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे चार्ट को, ये सारी बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी एक बार पढ़ लेते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कि एफडीआई का जो इन्फ्लो है वो लगभग ट्वाइस कर दिया, ठीक है, दुगना कर दिया है, और हम भारत को डेवलप्ड बना देंगे 2047 तक, 2047। तीन मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम हम बनाएंगे पीएम गति शक्ति के अंदर, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में, सामान की आवाजाही को इम्प्रूव करने में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट की ट्रीटीज जो है काफी सारी नेगोशिएट की गई है। उड़ान स्कीम के अंडर बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मेट्रो रेल और नमो भारत को इंक्रीज किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमने। अभी थोड़ा सा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स की बात करते हैं। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि 2022 के अंदर हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि मस्टर्ड सीड्स, ऑयल सीड्स को इंक्रीज करेंगे, उसको अभी कंटिन्यू रखेंगे। डेयरी डेवलपमेंट में भी इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन मिल्क एनिमल्स का प्रोडक्टिविटी लो रहता है, तो उस पे काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है जिसके अंदर दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, उस पे हम आगे काम करेंगे और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना यानी फिशरीज के लिए ये जो है इट विल स्टेप्ड अप टू, इसमें क्या होगा, मछलियों के पालने की बात की जा रही है, 3 से 5 टन पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस होगा एक्वा कल्चर का। 1,00,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है वो लगभग दुगना कर देंगे, 1,00,000 एक्सपोर्ट कर देंगे हम, फिशेज का एक्सपोर्ट कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लगभग इस फील्ड में 55,00,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम जनरेट कर देंगे। ठीक है,
और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो सेटअप किए जाएंगे, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेटअप किए जाएंगे। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कैटलाइजिंग ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, कहता है कि रिसर्च एंड इनोवेशन मतलब कि ग्रोथ को कैटलाइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए रिसर्च और इनोवेशन पे भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या नाम दिया है, देखो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, फिर वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा है। तो मोदी जी ने ये नारा दिया है इस बजट। हाउसिंग की बात करते, हाउसिंग क्या कहता है, कहता प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंदर अगले 5 साल में 2 करोड़ और एडिशनल हाउस होल्ड हम जोड़ देंगे, मिडिल क्लास स्कीम जो है काफी हमने इम्प्रूव किया है, कितने घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में 23-24 में 79,000 हाउस होल्ड हमने बांट दिए थे, अभी 80,671 घर जो है वो लोगों को दिए जा चुके हैं, ठीक है इतने दे देंगे ऐसा बजटरी एस्टिमेट लगाया गया है। मिडिल क्लास के लिए भी जो जो भी लोग रेंटेड हाउस में है या स्लम एरिया में रह रहे हैं या चौल में रह रहे हैं या अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, उनको पक्के घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रिपल किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे तरीके का एक्सपेंडिचर माना जाता है जिसके अंदर एसेट इनहेंस किया जाता है, पिछले 4 साल की तुलना में इस बार 11.1% यानी कि 11,11,111 करोड़ इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1% जो है जीडीपी का वो किया जा रहा है, वो बहुत ही बढ़िया चीज है। टूरिज्म की बात करते, टूरिज्म में क्या कहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भारत के अंदर है, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज किया जा रहा है, स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा है। पोर्ट कनेक्टिविटीज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आइलैंड से, लक्षद्वीप टाइप के आइलैंड से हम लोग इंटरेक्ट कर सके। G20 मीटिंग्स के अंदर 60 प्लेसेस हमने रिप्रेजेंट किए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो हमारे टूरिज्म को बेटर करता है। रेलवे की बात कर ली, पीएम गति शक्ति की बात कर ली, ठीक है, ये सब चीजों की हम लोग बात कर चुके हैं कि हाई ट्रैफिक कॉरिडोर हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लॉजिस्टिक को अच्छा करेंगे, 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को हम वंदे भारत के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत बोगीज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि आने जाने वाले पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। एविएशन सेक्टर में हमने नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को बढ़ा के दुगुना ही कर दिया है, 149 उड़ान स्कीम के अंडर 1.3 करोड़ पैसेंजर्स जो है वो अब लगभग 1.3 करोड़ पैसेंजर 570 न्यू रूट्स जो है वो बना दिए हैं, जिससे लगभग 1.3 करोड़ पैसेंजर ज्यादा मूव कर सकेंगे, ट्रेवल करेंगे। 1,000 नए एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर दे दिए हैं भारत सरकार ने, 1,000 नए एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर जो है वो भारत सरकार ने दे दिया है। मेट्रो एंड नमो भारत की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास और रैपिड अर्बनाइजेशन को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत जल्दी होती है, तो उसके लिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नमो भारत प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये बातें कही। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में क्या कहा है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस करेगी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए, मतलब कटाई से पहले की एक्टिविटीज के लिए। नैनोडैप ये यूरिया का प्रकार होता है जिसमें क्या है कि जहरीली चीजें यानी कि केमिकल रसायन कम होते हैं, यानी कि ये फॉस्फेट वाली जो नैनोडैप है उसका यूज ज्यादा किया जाएगा। ऑयल सीड अभियान जो है वो लेके चल रहे हैं, यानी कि हम आत्मनिर्भर भारत और ऑयल सीड जो अपनी स्कीम है उसको इन्हेंस करेंगे। डेयरी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा को आगे लेके जा रहे हैं, और 5 एक्वा पार्क्स इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स जिसके अंदर श्रिम्पिंग होगी यानी कि मछली पालन भी होएगा और उनको मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाएगा, तो ऐसे एक्वा पार्क्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है, जो पानी एक्वा चीजों से रिलेट होता है, तो एलोकेशन बढ़ा दिया है ब्लू रिवोल्यूशन में, कितना कर दिया है, 23-24 में 2025 करोड़ रुपए का एलोकेशन था और 2024-25 में 2352 करोड़ का एलोकेशन किया है ब्लू रिवोल्यूशन के लिए। फिर जो है एलोकेशन माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज को कितना दिया है, पिछले साल 639 करोड़ रुपए था, इस साल 880 करोड़ रुपीज जो है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को दिया गया है।
मिसलेनियस की बात करते हैं, अभी कुछ और चीजें। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एक बड़ा टास्क है अपने अपने लिए, मतलब हम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं गुड्स का, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये घाटा अपने को कम करना है और फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर हम लगभग 1% पे पहुंच चुके हैं, जो अच्छी चीज है और इम्प्रूव कर लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, और ये घट के 3.2% आ गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद जो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी डिक्रीज हुआ है, मतलब कि सितंबर 23 में 3.2% अपना ग्रोस एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अपना पहले से कम हुआ है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अपनी इम्प्रूव हुई है, लगभग 14,000 के आसपास अपनी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, 14,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो है वो अपनी होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में, मतलब कि महंगाई भी काबू में रही है, ये लगभग ऊपर नीचे होते हुए 5.5% हेडलाइन इन्फ्लेशन रही है। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, फूड का और फ्यूल का, इनका इन्फ्लेशन हटा दिया जाता है। और क्या किया जा रहा है, राइज इन एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन। जब जीएसटी आया था ना तो बड़ा भ्रम रहा था, क्या होगा, कितना कलेक्शन होगा, नहीं होगा। अभी ये बताया जा रहा है कि हर महीने जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.7 लाख करोड़ का हर महीने जीएसटी कलेक्शन इतना हो रहा है, तो बहुत अच्छे टारगेट्स अपने इसमें अचीव किए। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, ज्यादा कुछ चेंज टैक्सेशन वाली चीजों में नहीं किया है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब सेम रखी है। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के, ठीक है। जिनका 7 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना, ऐसा कहा जा रहा है। 2013-14 में 2.2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना था, हमने इसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है, मतलब 7 लाख रुपए अगर आप साल के कमा रहे हो तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, ये बात यहाँ पे बताई गई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ है, लगभग 2.4 गुना जो है वो रिटर्न्स बढ़ने लगी है, ITR ज्यादा होने लगा है हर साल, मतलब कि हर महीने 1.66 लाख करोड़ का जो आपका GST है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज है, ठीक। और मंथली है ये 1.66 लाख करोड़, और ये कहा जा रहा है कि जो रिफंड्स वगैरह के काम है वो भी, पहले 93 डेज लग जाते थे जो भी रिफंड जाता था ITR के बाद, अब 10 दिन के अंदर अंदर वो काम कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने टैक्स के बारे में बात की। GST के बारे में क्या बातें हैं, 94% इंडस्ट्री GST को अच्छा कह रही, 80% रिस्पोंडेंट्स ये कह रहे हैं कि GST गुड स्टेप था सप्लाई चेन चीजों के लिए, बहुत अच्छी चीज है, सप्लाई चेन इंडस्ट्री वाले 80% लोग ये कह रहे हैं कि GST अच्छा है, ठीक है। इंपोर्ट के अंदर डिक्लाइन हुआ है, मतलब हम खुद का सामान खुद बनाने लगे हैं, इंपोर्ट कम कर दिया है हम 47% से, इनलैंड कंटेनर का जो इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट से हम इंपोर्ट करते थे वो कम कर दिया है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस 28% एयर के माध्यम से जो सामान आता था वो कम कर दिया, हम अपने देश में ही बनाने लगे हैं। सी पोर्ट से भी 27% इंपोर्ट जो है वो हमने कम कर दिया। पैसा आ कहाँ कहाँ से रहा है, रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आ रही, देखो नॉन डेट मतलब कि बिना उधारी वाला कैपिटल रिसिप्ट 1% है, बोरोइंग हम ला रहे हैं 28%, इनकम टैक्स से पैसा मिल रहा है 19%, GST से 18%, कॉरपोरेशन टैक्स से 7%, नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे चलान वलान से पैसा मिल रहा है 7%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से मिल रहा है 5%, कस्टम ड्यूटी से मिल रहा है 4%, ठीक है। तो रूपी कम्स फ्रॉम कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है ये आपको याद रखना है, उसके बाद कहाँ कहाँ पैसा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है इंटरेस्ट देने में, ब्याज देने में 20% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में हो रहा है। स्टेट का जो शेयर है ड्यूटीज का वो देने में, मतलब कि स्टेट को जो हम पैसा देते हैं 20% वो है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर 16% पैसा जा रहा है, डिफेंस में 8%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, पेंशन में 4%, सब्सिडी में 6%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर 8% के। कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में भारत सरकार का जा रहा है। उसके बाद एलोकेशन देख लीजिए स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की, सबसे ज्यादा एलोकेट किया है 6.2 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.13 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को 2.03 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.77 लाख करोड़,
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को 1.68 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1.37 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 1.27 लाख करोड़, ये घटते क्रम में पूछी जा सकती है। तो याद रखेंगे ऊपर की तीन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, ठीक है। उसके बाद मेजर मेजर स्कीम को कितना एलोकेशन मिला, सबसे ज्यादा या सबसे कम तो नहीं कहूंगी, एक बार देख लेते हैं। मनरेगा के अंदर पैसा जो गया है वो कितना गया है, वो पिछले साल हमने कहा था 60,000 हम देंगे, पर 86,000 इस बार एलोकेट कर दिया है। आयुष्मान भारत में 7200 करोड़ रुपए हमको देने थे, अभी 7500 करोड़ हमने दिए हैं। और नेशनल सोलर पावर ग्रिड में 4645 करोड़ रुपए देते थे, 6200 करोड़ रुपए दिए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 3000 करोड़ देते थे, 6903 करोड़ दिया है। फिर उसके बाद ये जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी, ठीक है। किस स्कीम को कितना पैसा दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स कितने आए, इसको छोड़ के आप यहाँ पे आ जाए, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो लगभग कितनी हुई है, 30 लाख करोड़ की, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट 17.6 लाख करोड़, तो टोटल रिसिप्ट कितना हुआ है, लगभग 47.6 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ 36.5 लाख करोड़, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़, यानी कुल मिला के 51 लाख करोड़ ये तो आपका खर्चा हुआ है, और 47 लाख करोड़ ये आपने कमाया है, ठीक है। बाकी बोरोइंग से हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये थी बजट एस्टिमेट्स की बातें, ठीक। अब डेफिसिट्स देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट। अब ये सारे डेफिसिट होते क्या है, ये भी मैंने उस बजट की वीडियो में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाके बेसिक्स क्लियर कर लेना। फिस्कल डेफिसिट 5.8 से घटा के 5.1, ये एस्टिमेटेड है सब। रेवेन्यू डेफिसिट 2.8 से घटा के 2 कर देंगे, प्राइमरी डेफिसिट इतना कर देंगे, टैक्स रेवेन्यू इतना ले आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.3 से बढ़ा के 1.2, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जो है वो 58.1 से 57.2, मतलब कि डेट जो है हम कम कर देंगे पहले से। तो मेन होता है आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 जो है, ऐसा उन्होंने एस्टीमेट लगाया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो डेफिसिट्स की बातें थी। उम्मीद करती हूँ आपको पूरे बजट के मेन मेन आंकड़े मिल चुके हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपको ये बात बतानी है, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से, देखती हूँ क्या कुछ आपको याद। आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री को मैक्सिमम एलोकेशन दिया है। कौन सी मिनिस्ट्री को मैक्सिमम एलोकेशन दिया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।